दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बैक पेन से परेशान हैं या फिर टेल बोन पेन से परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते रहे हैं कि काफ़ी सारे हमने इलाज करा लिया लेकिन बैक पेन हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं टेल बोन पेन से परेशान हैं। चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे काफ़ी देर तक सीट पर बैठने की वजह से, जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर घर पे काम करते हैं, सीट पर बैठ करके काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं काफ़ी लोग, तो उन लोगों के अंदर ये हो सकता है। या फिर काफ़ी लोग जो है ड्राइव करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक, काफ़ी देर तक अगर वो ड्राइव करते हैं, उस पोजिशन में भी ये होने का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी बैक पेन होने का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर टेल बोन की अगर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, रीज़न की बात करें, तो उसके भी ये कारण हो सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का कोई सर्जरी वगैरह हुई है आपके बैक में, वो एक रीज़न हो सकता है। या फिर गंभीर पाइल्स की प्रॉब्लम्स रही है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, टेल बोन में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर काफ़ी महिलाएं गर्भवती हैं, उस कंडीशन में बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि टेल बोन पर जो प्रेशर पड़ता है उसके वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, उसके वजह से प्रॉब्लम है। या फिर सही पोस्चर नहीं मिल पाता है बैठने का, उसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली ये सिर्फ मेडिसिन से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको जो है कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, आपके बैठने के पोजीशंस के कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। नहीं तो आप जीवन भर मेडिसिन लेते रह जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर हम बैक पेन की प्रॉब्लम की बात करें, तो ये पोस्चर जो होता है नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये सीट है, इस पर अगर आप बैठते हैं, बैठ करके कोई काम करते हैं, तो आपका जो पोस्चर है वो इस तरीके से हो जाता है। तो इसको अगर आप सीधा बैठते हैं इस तरीके से, तो जो रीढ़ की हड्डी है उस पर अगर सीधी रहती है, सीधी प्रेशर पड़ता है, तो उसमें पेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से हो जाते हैं और लंबे समय तक बैठते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंट हो जाएगी, जिसका जो है मेडिसिन से इलाज नहीं है। इसका जो है पोजीशन जो है इस तरीके से ना हो करके ऐसे थोड़ा सा रखना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का, जो कि इस तरीके से, तब जा करके ये पेन ख़त्म होगा। उसके लिए व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो आपको मंगाना होगा, जो कि आपको आपके बैठने की पोजीशन को भी चेंज कर दे, और जो दूसरी प्रॉब्लम है टेल बोन पेन की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है एक ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे जो टेल बोन का जो प्रेशर है वो ऑफ किया जा सके। तो इन दोनों के लिए जो है मैं दो प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, जो अगर आप यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है, दोनों प्रॉब्लम जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी, कोई मेडिसिन से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर चुका हूँ पहले, जो ये स्लिप्सिया का ऑर्थोपेडिक लुम्बर सपोर्ट पिलो है, इसकी हमने पहले भी वीडियो डाला था, शायद आपने देखा भी होगा। तो ये जिनको बैक पेन है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो दूसरा है जिनको टेल बोन पेन भी है, तो ये दोनों का कॉम्बो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास पहले से था, मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बैक पेन से मैं हमेशा परेशान रहता था, तो मैंने इसको मंगाया जो मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो है मैंने मंगाया क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये दिखने में बहुत ही छोटा सा पैकेज है ये, जैसे कि इस तरीके से जब ओपन करेंगे तो ये बड़ा होगा। स्लिप्सिया का कॉक्सिक सपोर्ट पिलो, इस तरीके से अगर हम इसको ओपन करेंगे, अभी बहुत ही छोटा सा है, इसको जब हम खोलेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये जब भी कहीं पर लेकर के जाना है इसको, तो आप लेकर के जा सकते हैं इस तरीके से, इसको पैक करके और इसका एयर निकाल करके आप इस तरीके से लपेट करके लेकर के जा सकते हैं। एक्चुअली ये मेमोरी फोम से बना हुआ है, बहुत ही हाई क्वालिटी मेमोरी फोम से बना हुआ है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यही इसकी बहुत ही खास बात है, इस फोम की बहुत ही खास बात है। बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है ये लोग फोम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो ये मेरे पास जो दूसरा है इनका लुम्बर सपोर्ट पिलो, वो मेरे पास करीब 2 साल से है और आज तक बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। इसको मैं यूज़ करता हूँ, जैसे हटता हूँ ये बिल्कुल भी अपने ओरिजिनल शेप में मिलती है। कहीं पर लेकर के भी जाना होता है
तो इसको मैं कैसे भी लेकर के चला जाता हूँ, और ये बिल्कुल भी अपने ओरिजिनल शेप ले लेती है, और आज तक कहीं से भी ये दब करके खराब नहीं हुई है, ना तो ऐसा लगता है कि इसका सपोर्ट कम हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसका शेप है, तो इस तरीके से ओरिजिनल शेप जो है ये अपने आप ले लिया करेगा। आपको कैसे भी लेकर के जाना है आप लेकर के जा सकते हैं, और ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये स्लिप्सिया का लुम्बर सपोर्ट पिलो के बारे में, ऑर्थोपेडिक लुम्बर सपोर्ट पिलो ये पूरा नाम है इसका। इसको जो है जब आप यूज करेंगे तो बैक से यहां पर ये सपोर्ट देगा, जब यहां पर सपोर्ट होगा तो आप अगर ऐसे बैठ रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएंगे, तो आपका पोस्चर बदल जाएगा बैठने का। जैसे कि आप देख पाएंगे इसको यहाँ पर जो है इसका एक बहुत ही अच्छा सा जो है एक इलास्टिक दी हुई है, जिसको आप जो है इस पर रख करके चेयर पर इस तरीके से रख करके और ऐसे लगा देंगे। ये किसी भी चेयर पर फिट हो सकता है, चाहे आपकी कार की सीट हो, चाहे आप अपने सोफे पर भी रख सकते हैं, या आपके ऑफिस की सीट हो, कोई भी चेयर हो, हर चेयर पर लग जाती है। और अब इस पर जब आप बैठते हैं इस तरीके से, जब आप बैठेंगे तो ये यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और आपको ऑलरेडी इस तरीके से पोस्चर में कर देगा। तो इस तरीके से जब आप बैठ करके काम करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी सीधी रहेगी या फिर इस पोजीशन में रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कितना भी देर तक आप काम करेंगे तो ये जो है अनबैलेंस आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर पेन नहीं होगा, यानी बैक पेन से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं टेलबोन पेन की, तो उसका जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर पड़ता है नीचे, तो जो बोन होता है टेलबोन, इस पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो हमेशा दर्द करता रहता है, वो पेन बढ़ जाता है। या फिर जिनको पाइल से ज़्यादा परेशान हैं या किसी प्रकार की बैक में सर्जरी हुई है तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, या फिर महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए इसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, एक तो ये आप कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं, इसको निकालने लगाने में उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो यहाँ पर जो होल दिया हुआ है, जो ये स्पेस खाली छोड़ा गया है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका जब आप इस पर बैठते हैं तो यहाँ पर आपका टेलबोन आता है, जिससे जो आपके टेलबोन का जो प्रेशर है वो ऑफ हो जाता है, और जब वो ऑफ हो जाएगा तो उसको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स मिलने की वजह से वो जो पेन है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। इसको लगाने का तरीका, जो पकड़ने का जो ये दिया हुआ है इसके अंदर, ये आगे की तरफ होगा इस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ होगा, और उसके बाद जब आप इस पर बैठते हैं तो ये पोजीशन बनता है। तो अब इस पोजीशन के अंदर क्या हुआ, एक तो सबसे पहले ये जो लुम्बर सपोर्ट पिलो है इससे बैक पेन खत्म हुआ, और ये जब आप इस पर बैठते हैं तो टेलबोन का जो प्रेशर है वो ऑफ हो गया, जिसकी वजह से टेलबोन का जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ मेडिसिन से सही नहीं हो सकता, और इन दोनों ही चीज़ को आप जो है अपने कार के सीट पर भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस चेयर पर भी लगा सकते हैं, और विश्वास मानिए बहुत रिलैक्स आ रहा है, बहुत ही रिलैक्स है। तो जो लोग भी परेशान हैं अपने बैक पेन से या फिर टेलबोन पेन से परेशान हैं, वो जो है ये दोनों ही प्रोडक्ट वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्लिप्सिया का लुम्बर सपोर्ट पिलो जो ये यहाँ पर हमने लगा रखा है, और जो लोग टेलबोन पेन से परेशान हैं वो लोग जो है स्लिप्सिया का ही आर्थोपेडिक कोक्सिक सपोर्ट पिलो ये लगा सकते हैं। और काफ़ी लोग परेशान हैं, मान लीजिए किसी को जो है साटिका वगैरह हो गया है, उसके वजह से भी जो है आपके टेलबोन पेन होता है, तो इन सारी परेशानियों के अंदर क्या रीज़न कोई सा भी हो, अगर ये इस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं बैक पेन से टेलबोन पेन से, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन शुभ हो।